अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सस्पेंड हो गए हैं। डेरेक ओब्रायन का पूरे सेशन के लिए सस्पेंशन के ऑर्डर्स जारी हुए हैं। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया है संसद की बची हुई कार्यवाही से। इस सत्र में आप टीएमसी सांसद हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अभी फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। पूरे सत्र में सांसद डेरेक ओब्रायन नहीं हो सकेंगे शामिल। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने पर यह एक्शन उनके खिलाफ हुआ है। पूरे सत्र से सांसद डेरेक ओब्रायन टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया है। और आप देखते सदन की कार्यवाही में कई बार विपक्ष के नेता इस तरीके की परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं कि जो स्पीकर होते हैं उन्हें ये कार्रवाई करनी पड़ती है। तो अब राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया है। दैट दिस हाउस हैविंग टेकन अ सीरियस नोट ऑफ द इग्नोबल मिसकंडक्ट ऑफ श्री डेरेक ओब्रायन मेंबर हु हैज एंटर्ड द वेल ऑफ द हाउस एज ऑल्सो द इनर वेल and has been continuously shouting slogans, gesticulating aggressively at the chair, thereby disrupting proceedings of the house in utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned member, Sri Derek O'Brien, be suspended from the service of the council for the remainder of the session under Rule 256. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Derek. कनिका का रुख करेंगे। कनिका डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। और अभी फिलहाल टीएमसी की तरफ से जाहिर तौर पर इस कार्रवाई को लेकर बहुत सारी बयानबाजी भी होगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि उपराष्ट्रपति को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा राज्यसभा की कार्रवाई से? देखिए बिल्कुल, राज्यसभा सांसद जो टीएमसी की हैं डेरेक ओब्रायन, उनको जो है राज्यसभा से पूर्व सचिव से निलंबित कर दिया गया है। क्योंकि कल जब लोकसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ था और जिस तरह से जो है अनपीशियस जो वहां पे अटैक हुआ था उसको लेकर डेरेक ओब्रायन लगातार जो है आवाज उठा रहे थे। और केवल डेरेक नहीं बल्कि तमाम जो विपक्षी पार्टी के सांसद है वो लगातार राज्यसभा में हंगामा कर रहे थे और आवाज उठा रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर जो है गृह मंत्री को आकर यहाँ पे बयान देना चाहिए और कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डेरेक जो की कांग्रेस टीएमसी के सांसद है वो विंग में सामने आ गए थे, इसीलिए राज्यसभा के जो स्पीकर है उन्होंने उनको पूरे सेशन के लिए जो है निलंबित कर दिया गया। और इसी के साथ साथ राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन लगातार जो है टीएमसी के तमाम जो सांसद हैं वो इस मामले को लेकर आवाज उठाते आए हैं और टीएमसी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि किस तरह से निलंबित करना एक उच्च प्रक्रिया नहीं है, इसके खिलाफ जो है टीएमसी और तमाम जो इंडिया अलायंस के लोग जो है पार्टियां हैं वो संसद के भीतर प्रोटेस्ट कर सकती है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन एक बड़ा निलंबन जो है वो टीएमसी सांसद को देखने को मिल रहा है क्योंकि इससे पहले मुहैया मुद्रा को लेकर जो है तमाम तरह की चीज देखने को मिल रही थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब टीएमसी के जो सांसद हैं डेरेक ओब्रायन उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। जी बिल्कुल कनिका, लेकिन अभी फिलहाल चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो कार्रवाई के बीच में कल का जो इंसिडेंट है विपक्ष उसे लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं और जवाब चाहते हैं गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का। कनिका अब 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है, लेकिन क्या लगता है अभी फिलहाल क्या सिचुएशन संसद के अंदर है, किस तरीके से कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी? क्योंकि कल के इंसिडेंट के बाद कल जो संसद भवन में हुआ उसे लेकर हंगामा लगातार बढ़ रहा है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से कल संसद के अंदर जो हंगामा हुआ, जिस तरह से लोकसभा में जो अटैक हुआ उसको लेकर लगातार विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार मांग कर रही हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए और खास तौर पे जो है लोकसभा सेक्रेटरी कमेटी को ये मामला जो है सौंपना चाहिए। और आज जो है विपक्ष की ओर से गृह मंत्री का बयान लगातार मांग की जा रही है, लेकिन अभी 2 बजे तक के लिए दोनों ही हाउस चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो दोनों को स्थगित कर दिया गया। लेकिन पार्लियामेंट के पीछे तमाम जो सांसद हैं वो मौजूद हैं और लगातार जो है अपनी मांग रख रहे हैं कि जब तक इस तरह का माहौल रहेगा
तब तक सदन की कार्यवाही को वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन उसी और जब विपक्षी नेताओं की बात करें तो तमाम, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, तमाम जो उनके सांसद है वो यही कह रहे हैं कि अगर लोकसभा में यही चल रहा है, यही माहौल रहेगा, तो क्यों बैठना सदन के भीतर। तो कहीं ना कहीं अभी इस पूरे मामले को लेकर सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी लगातार बोल रही है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है खासतौर पे इस मामले को एक राजनीतिक टूल देने की कोशिश कर रहा है। तो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन देखना होगा कि जब 2 बजे हाउस की वापसी प्रक्रिया शुरू होगी तो किस तरह से जो है हाउस चलेगा और क्या लोकसभा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।